कैसे हो आप सब। आज सुबह 7 बजे खेसारी भाई का एक मूवी का ट्रेलर आया है जिसका नाम है बोल राधा बोल, और 1 घंटे के अंदर इतना जबरदस्त व्यूज प्राप्त किया है। जहां पे पवन सिंह का आज से 4 दिन पहले एक ट्रेलर आया था जिसका नाम था हमार स्वाभिमान, उसने जो 12 घंटे के अंदर व्यूज प्राप्त किया था, यहाँ पे खेसारी भाई के ट्रेलर ने 1 घंटे में प्राप्त किया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं, डिटेल में बने लास्ट तक, बाकी चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। पता है आप सबको, आज से 4 दिन पहले हमार स्वाभिमान का ट्रेलर आया था और 1 घंटे के अंदर उस पर अगर व्यूज देखा जाए तो कुछ 21,000 व्यूज थे और कुछ 6,000 लाइक्स थे, और उसके बाद में अगर उस पे 12 घंटे के अंदर जो व्यूज देखा जाए तो 12 घंटे के अंदर 2,59,000 व्यूज थे उस पे, शायद 2,39,000 थे। उसके बाद में उस पे अगर लाइक्स की बात किया जाए तो 32,000 लाइक्स यहां पे देख सकते हैं। यह था पवन सिंह का 12 घंटे के और 1 घंटे का रिकॉर्ड्स। लेकिन खेसारी भाई का 1 घंटे का रिकॉर्ड्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाप कौन है बेटा कौन है, क्योंकि खेसारी भाई का ट्रेलर पे अगर 1 घंटे के अंदर व्यूज देखा जाए, 1 घंटे के अंदर यानी कि 59 मिनट्स का अगर व्यूज देखा जाए तो कुछ 79,000 व्यूज है और कुछ 22,000 लाइक्स है 59 सेकंड में। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं जो पवन सिंह 12 घंटे में व्यूज लेके आते हैं वहां पे खेसारी भाई के मूवी के ट्रेलर पे 1 घंटे में व्यूज आ जाता है। तो यहीं से समझ में आ जाता है कि भैया क्वालिटी कितना डिफरेंट है दोनों ट्रेलर का, इसीलिए खेसारी भाई के मूवी पे व्यूज आते हैं, मूवी के ट्रेलर पे व्यूज आते हैं। यहीं से पता चल गया बाप कौन है बेटा कौन है। पवन सिंह को 1 मिलियन व्यूज लाने के लिए 1 महीना लग जाता है एक ट्रेलर पे, और खेसारी भाई का एक ही दिन में जो है 5-5 मिलियन व्यूज आ जाते हैं ट्रेलर पे। लेकिन दोनों मूवी का क्वालिटी देखा जाए, दोनों मूवी का सॉन्ग देखा जाए, दोनों मूवी में अगर सिक्स पैक की बात किया जाए तो खेसारी भाई की इस बोल राधा बोल मूवी में आपको 6 पैक देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रेलर में कहीं कहीं ऐसा दिखाया गया है, फिल्माया गया है, और पवन सिंह की मूवी में देखा जाता है तो सिर्फ पेट ही बाहर दिखते हैं। तो भैया इतना फर्क जो है दोनों मूवी में देखने को मुझे मिला। लेकिन बात किया जाए तो दोनों मूवी जो है एक एक्शन पे भरपूर है, पवन सिंह की मूवी एक्शन पे होती है, लेकिन खेसारी भाई की मूवी में देखा जाए तो धर्म की बात भी आया है, आस्था की बात भी है, और जानवरों से प्रेम कैसे किया जाता है उसकी भी बात है। तो यहाँ पे बहुत सारी जो कहानी एक ही मूवी में जो है दिखाई गई है, और मूवी जो है सस्पेंस है, एक समझ में नहीं आ रहा है राधा किसका नाम है, और इसमें जो है मेघा श्री भैया कहीं भी बोलती हुई नजर नहीं आ रही, एक जगह पे शायद कृष्णा बोली है, खेसारी भाई का नाम लेके बुलाती है, बस वही बोली है इस ट्रेलर में, बाकी और इसमें जो है कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है। मुझे लग रहा है कि ब्लॉकबस्टर हिट रही होगी खेसारी भाई की रहेगी ये मूवी। बाकी आप सबका क्या मानना है कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक मारिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, वीडियो को बाकी आज की वीडियो में चलते हैं। नमस्कार।